बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टेम्परेचर कैसे लेते हैं और उसको मार कैसे करते हैं। हॉस्पिटल में हम टेम्परेचर कैसे मार करते हैं और कब कौन सा टेम्परेचर होता है जब हम उसको फीवर कहते हैं, और बच्चों में इसकी एवरेज क्या होती है और नॉर्मल रेंज क्या होती है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगी जो हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना क्लिनिकल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको टेम्परेचर लेने का बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका आ जाएगा। तो टेम्परेचर लेने की डिफरेंट साइट्स होती हैं और सबसे मेन और जो कॉमन वे है वो है ओरल रूट। ओरल रूट में सबसे ये होता है कि जो मर्करी वाली साइड है उसे हम अपनी टंग के नीचे प्लेस कर देते हैं। ये अच्छा और पोर्टेबल वे है, लेकिन इसमें जो बच्चों के लिए इसे इसलिए नहीं दिया जाता कि बच्चे अपने टीथ से इसको कट कर लेते हैं, जो कि डेंजरस होता है। तो बच्चों के लिए दूसरा तरीका अप्लाई किया जाता है जो है एक्सिलरी रूट। एक्सिलरी रूट में हम लोग जो साइड होती है मर्करी वाली साइड, ये सारे अच्छी तरीके से देख लें कि हम उसको अंडर दी आर्म्स अच्छे तरीके से पुट करके इस एंगल पे टूवर्ड दी हेड हम उसको पुट करते हैं और उसके बाद उसकी आर्म को पकड़ लेते हैं। थर्मामीटर 2 से 3 मिनट तक अंडर आर्म रखा जाता है। इसके अलावा जो एक्सिलरी रूट होता है वो एक दर्जा कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर 101 टेम्परेचर आया है तो एग्जैक्ट टेम्परेचर 102 होगा। तीसरा वे है टेम्पोरल वे। टेम्पोरल वे में हम स्किन फोरहेड स्किन पे हम थर्मामीटर प्लेस करते हैं, जिसके बाद हमें टेम्परेचर मार्क हो जाता है, पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर है। और आप डिफरेंट थर्मामीटर देख सकते हैं जो कि इसके लिए अप्लाई होते हैं। ये आपने मोस्ट कॉमन अब कोरोना वायरस में देखा होगा कि ये थर्मामीटर मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा जो हमारा वे आता है वो है टैम्पेनिक मेम्ब्रेन। टैम्पेनिक मेम्ब्रेन में हम लेते हैं थर्मामीटर होता है, उसकी नॉब होती है, नॉब के ऊपर जो ये वाले थर्मामीटर होते हैं हम इनको सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम प्रॉब यूज़ करते हैं, तो एयर के अंदर हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। इसके बाद होता है रेक्टम। रेक्टम का होता है जो एग्जैक्ट टेम्परेचर से एक दर्जा वो ज़्यादा होता है, तो हमें ध्यान करना चाहिए कि जो टेम्परेचर आया है वो कैसे। तो उसमें भी मर्करी का जो हिस्सा होता है वो हम पूरा इंसर्ट कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट बाद हम उसको ले लेते हैं। अब मैं आपको अपने प्रैक्टिकल वे से बताऊंगी कि मैं कैसे टेम्परेचर मार करती हूं और आपको हॉस्पिटल में कैसे करना चाहिए और आप कैसे मार करेंगे। सबसे पहले आप हैंड सैनिटाइज़र लेंगे, इसके बाद सेपरेट स्वैब लेंगे और एक थर्मामीटर लेंगे, और इसके बाद आपको डिफरेंट कलर के मार्कर्स चाहिए होंगे जिसके लिए आपको मार्क करना होगा। मैंने डिफरेंट कलर के मार्कर इसलिए लिए हैं क्योंकि पल्स रिस्पायरेशन, मतलब आप अगर हॉस्पिटल में गए हैं तो आपके पास इस कलर की पेंसिल होना लाजमी है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि आप पेशेंट नेम पुट करेंगे, उसके बाद डॉटर ऑफ, सन ऑफ या वाइफ ऑफ, एज देख लेंगे, सेक्स देख लेंगे, और आप देख लेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर का है। ये वाली बातें होती हैं, ये कॉमन बातें होती हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करनी पड़ती हैं। तो डेट ऑफ शिफ्टिंग, टाइम ऑफ शिफ्टिंग और डिजीज़ लिखनी होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम देख लेते हैं कि एक साइड पे लिखा होता है पल्स लिखा होता है और एक साइड पे टेम्परेचर चार्ट पे। हर हॉस्पिटल में अपने होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन चार्ट यही यूज़ किए जाते हैं। टेम्परेचर होता है, रिस्पायरेशन होती है, बावल्स होते हैं और रिमार्क्स होते हैं। ये सारा काम एक स्टूडेंट नर्स को करना होता है, क्योंकि वाइटल साइंस अगर वो जा रही है हॉस्पिटल में तो उसको ही करने होते हैं। इसके अलावा आप पूरा प्रोसीजर बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको हैंड सैनिटाइज़र लेना है, उसे अपने हाथ से सैनिटाइज़ कर लेने हैं। आपको ग्लव्स आपका पहनना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल स्वैब, सिपरेट स्वैब से क्लीन कर लेना है और अच्छे तरीके से देख लें कि आपको किस डायरेक्शन में उसको क्लीन करना है। एक साइड पे इसका ग्लास होता है, दूसरी साइड पे इसका मर्करी होता है, और आप इसका मर्करी देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है, एक शाइन की सूरत सिल्वर कलर में मर्करी नज़र आ रहा है। और आजकल ऐसे थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, आपको मर्करी देखने में कोई भी मसला नहीं होता, बस आपको आप इसकी पोजीशन ठीक से रखनी होती है। इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि अगर 98.6 से मर्करी ज़्यादा आ रहा है तो आपको यूज़ करने से पहले इसको शेक करना होता है। इसके बाद आपको ये जो मर्करी वाली साइड नज़र आ रही है आप इसको पुट करते हैं, चाहे वो आप ओरली पुट करें, एक्सिलरी पुट करें, तो आपको ये वाली साइड अंदर रखनी होती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका जो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है वो है कि एक्सिलरी होता है। इसमें आप एक्सिलरी वे से पेशेंट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, और जब आप अपने पेशेंट की
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेशेंट का ये मर्करी साइड जो ग्लास आपको नज़र आ रही है आपने पुट किया और आपकी वैल्यू आ गई, अगर आप अपनी आंखों के एग्जैक्ट आगे रखेंगे तो आपको बिल्कुल सामने मर्करी नज़र आ जाएगा, आपको देखने में कोई भी मसला नहीं होगा। तो पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि वो प्रीवियस का क्या था और किस वार्ड से आ रहा था या जैसे आ रहा था आप देखेंगे। उसके बाद आप टेम्परेचर में एक लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, इसको आपको ब्लैक कलर की ये आइडियल लाइन 98.6 पे होती है। इसके बाद आपने अपना टेम्परेचर मार्क करना है। सबसे पहले बात आप मेरी याद रख लें कि टेम्परेचर को हमेशा ब्लू मार्कर से लिखते हैं, नोट करते हैं हॉस्पिटल में, पल्स को रेड से और रिस्पायरेशन को ब्लू मार्कर से लिखते हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। और मैं जैसे बबल फिल कर रही हूँ, मैं तो सपोज़ कर रही हूँ कि मैंने कैसे वैल्यूज़ ली और कैसे मैंने उसको मार्क किया। अक्सर स्टूडेंट को हॉस्पिटल में जाते हुए काफ़ी मसला होता है, तो मैंने सोचा कि मैं उनको बता दूँ कि आपको टेम्परेचर कैसे मार्क करना लेना। मैं आपको मैंने बता दिया कि आप कैसे लेंगे, जब आप लेंगे तो आप कैसे मार्क करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप ऊपर टाइम देख लें, 6:10 4 ऑर्ली हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं हम उनके 1 ऑर्ली करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने डेट भी देखनी है ऊपर से और टाइम भी देखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा प्रोसीजर पसंद आया होगा। आया है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।